नमस्कार, आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स, साथ में आपके शिखर ठाकुर। लोकसभा चुनाव के सातवें चरण का प्रचार थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। ये सातवां चरण आखिरी चरण है। 1 जून को मतदान होंगे, 4 जून को वोटों की गिनती की जाएगी। सातवें चरण में 1 जून को 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 57 सीटों पर मतदान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अभिनेत्री कंगना रनौत, टीएमसी महासचिव अभिषेक बैनर्जी, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और भोजपुरी कलाकार पवन सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्रियों की किस्मत का फैसला इसी चरण में ईवीएम में कैद होगा। सातवें चरण में बिहार की 8, चंडीगढ़ की 1, हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3, उड़ीसा की 6, पंजाब की 13, उत्तर प्रदेश की 13, पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर मुकाबला होगा। वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगी और इसके बाद 3 दिनों का इंतजार फिर से 4 जून की तारीख, जब न सिर्फ ईवीएम में कैद सांसदों के भाग्य का पिटारा खुलेगा बल्कि ये भी तय होगा कि जनता की अदालत ने लोकतंत्र की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठने का जनादेश किसके पक्ष में दिया। 6 चरण के चुनाव को देखते हुए नतीजों पर कई तरह की राय भी बन रही है। 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने सिर्फ 52 सीटें जीती, 17 प्रदेशों में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। दूसरी तरफ बीजेपी ने 303 सीटें जीती, 10 राज्यों की लगभग सभी सीटें बीजेपी को मिली, यानी सीटों के लिहाज से बीजेपी का पलड़ा 2019 में काफी भारी रहा। 2019 लोकसभा चुनाव में 190 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला था। इनमें से 176 यानी 92% सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस सिर्फ 14 सीटें ही अपने पाले में कर पाई, यानी देश की 1/3 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर है। 2024 के आम चुनाव में कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिलकर इंडी अलायंस बनाकर चुनावी मैदान में है। कांग्रेस ने अलायंस के लिए उन इलाकों में सीटें छोड़ी जहां क्षेत्रीय दल मजबूत स्थिति में है। कांग्रेस ने इस बार 328 उम्मीदवार को ही मैदान में उतारा है, जबकि 2019 में 421 उम्मीदवारों के साथ कांग्रेस ने चुनाव लड़ा। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने हिंदी पट्टी यानी कि नॉर्थ और वेस्ट के राज्यों की जिन सीटों पर एक तरफा जीत हासिल की, उन्हीं सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है, यानी बीजेपी के विजय रथ को रोकने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस के कंधों पर है। पश्चिमी भारत यानी कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और दमन द्वीप की 45 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर रही। 2019 में बीजेपी ने इनमें से 43 सीटों पर जीत हासिल की, वहीं कांग्रेस के हिस्से में केवल 2 सीटें ही आई थी। 2019 में जिन 190 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर थी, उनमें से 170 सीटों पर 2024 में भी कांग्रेस ने मजबूत अलायंस के साथ उम्मीदवार उतारे। इनमें गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली शामिल है, साथ ही हरियाणा भी इसमें, और इसके साथ 18 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेशों की 170 सीटें शामिल रही। यानी कांग्रेस के कुल 328 में से 170 उम्मीदवार बीजेपी को कड़ी चुनौती दे सकते हैं, ये बातें कही जा रही हैं। 190 सीटों पर बीजेपी कांग्रेस को सीधी टक्कर दे रही है। 2019 लोकसभा चुनाव में क्या कुछ हुआ और कौन कौन सी वो सीटें थी जहाँ पर सीधी टक्कर मिली है? टक्कर वाली सीटें चंडीगढ़ में 1, बीजेपी 1 सीट जीत पाई थी। 2019 के नतीजों की हम बात कर रहे हैं और कांग्रेस 0 पर रह गई। पंजाब टक्कर वाली जो सीटें थी वो कुल थी 3, जिसमें बीजेपी ने जीत दर्ज की 2 पर। उत्तराखंड की 5 ऐसी सीटें थी, बीजेपी को उनमें से 5 की 5 क्लीन स्वीप, और कुल 106 सीटें जिसमें 100 बीजेपी जीतती है और मात्र 6 पर कांग्रेस को जीत मिलती है। 2019 लोकसभा चुनाव के नतीजे, जिसमें बीजेपी को 303 सीटें मिली, कांग्रेस को 52, डीएमके 24, टीएमसी के खाते में गई थी 24 सीटें। तो ऐसे में अब देखना दिलचस्प ये होगा कि इस बार ये चुनौती बीजेपी कैसे लेती है, और क्योंकि टारगेट जो है वो 400 प्लस का है, तो फिर 400 प्लस के लिए दक्षिण के सीटों पर मजबूती से उतरना बीजेपी के लिए बेहद जरूरी है। ग्राउंड जीरो से हमारे रिपोर्टर्स इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, धनेश्वर शर्मा चंडीगढ़ से, अस्मित सिन्हा पटना से इस समय जुड़े हुए हैं, धनंजय मंडल इस समय रांची में मौजूद हैं, और ग्राउंड से हम रिपोर्ट लेते हैं, क्योंकि देखिए जो ज़मीनी स्तर पर काम हो रहा है वही जो नतीजे के रूप में 4 जून को सामने आने वाला है। धनेश्वर, सबसे पहले आपके पास आते हैं, चंडीगढ़ में जिस तरीके का मुकाबला रहा, इसके साथ ही पंजाब का भी जिक्र कीजिएगा, आने वाले दिनों में जो है पंजाब में चुनाव, ऐसे में क्या समीकरण बनते हुए वहां पर नजर आ रहे हैं और बीजेपी को सीधी सीधी टक्कर कितने कुल सीटों पर मिलती हुई नजर आ रही है? देखिए,
पंजाब के इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जितने भी स्टार प्रचारक हैं, चाहे उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ हैं और जितने भी नेता हैं, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ सकती है। आज प्रचार के आखिरी दिन प्रधानमंत्री स्वयं पंजाब में थे, जेपी नड्डा पंजाब में थे। अभी कुछ ही समय पहले मैं जिस बड़माजरा के अंदर, यहीं कुछ ही देर पहले योगी आदित्यनाथ जनसभा करके गए हैं। इस जनसभा में उमड़ी भीड़ ये बात साफ जाहिर कर रही है कि कहीं ना कहीं बीजेपी अस्तित्व में आ गई है, बीजेपी ने कड़ी टक्कर दे रखी है। और दूसरी तरफ चंडीगढ़ की बात करूँ तो चंडीगढ़ में कांग्रेस के मनीष तिवारी, जिससे कि कांग्रेस बीजेपी कह रही है कि बाहर के हैं क्योंकि वो स्थानीय नेता नहीं है, स्थानीय उनका कभी रहा नहीं है, कभी अनंतपुर साहब से चुनाव लड़ते हैं, कभी लुधियाना से, तो कभी कानपुर से वो चुनाव लड़, अलग अलग जगह से चुनाव लड़ते हैं। इसलिए उनको इतना वो अपनी पहचान नहीं बना पा रहे हैं चंडीगढ़ में, जितनी कि बीजेपी ने पहल की है। खासतौर से बीजेपी, अक्सर बीजेपी को पैराशूट नेता चंडीगढ़ में दिया जाता था, लेकिन पहली बार संजय टंडन जो है लोकल नेता दिए गए। लोकल नेता होने के कारण संजय टंडन के पिता भी काफी पुराने पॉलिटिशियन रहे हैं, तो संजय टंडन की अच्छी पकड़ है। संजय टंडन को अपनी आइडेंटिफिकेशन जाके पब्लिक को देनी नहीं पड़ती, जबकि मनीष तिवारी को अपनी आइडेंटिफिकेशन देनी पड़ रही है। इसलिए कहीं ना कहीं संजय टंडन भी मनीष तिवारी को कड़ी टक्कर देते चंडीगढ़ में नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ पंजाब की बात करूं तो पंजाब में बीजेपी ने इस बार बहुत कड़ी टक्कर दे रखी है। पिछली बार जिस तरीके से 2 सीटों पर बीजेपी को विजय मिली थी, इस बार कई और सीटों पर विजय मिलने की संभावना है, क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, उसके कई दिग्गज नेता छोड़कर पंजाब बीजेपी में शामिल हुए थे। चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह, खासतौर पर उस पर कहा जाए तो कैप्टन अमरिंदर सिंह का अपना एक कद है पंजाब के अंदर, उनका एक बड़ा रुतबा है, उनके साथ एक अच्छा वोट बैंक है, उसका भी बीजेपी को सीधा सीधा फायदा होने की संभावना है। और भी कई ऐसे नेता हैं जो छोड़कर आए, तो इस बार बीजेपी पंजाब में भी जो लग रहा है कि बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी, और साथ ही साथ चंडीगढ़ पे तो उसका अच्छा प्रदर्शन हो ही रहा है, क्योंकि संजय टंडन जो नेता दिया वो लोकल नेता है। पहली बार चंडीगढ़ के इतिहास में लोकल नेता उन्हें मिला है, और लोकल नेता होने की वजह से वो बहुत तगड़ी फाइट के अंदर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी एहतेशाम भी जुड़ गए हैं हमारे साथ लखनऊ से। एहतेशाम, 13 कुल सीटें हैं उत्तर प्रदेश की और बेहद महत्वपूर्ण है, जिसमें वाराणसी का भी सीट शामिल है। अब यहाँ पर हार जीत का सवाल नहीं है, सवाल है कि कितने वोटों के अंतर से और क्या अपने लक्ष्य को ही तोड़ पाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, जो पिछली बार का टारगेट था उससे क्या आगे बढ़ पाएंगे। तो वाराणसी में लोगों से जब मुलाकात होती है, जैसे अदिति नागर इस समय हमारी सहयोगी वहाँ पर है और कल उनसे चर्चा हो रही थी इसी कार्यक्रम में, तो उन्होंने कहा कि हर किसी की जुबान पर वाराणसी में सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का नाम है। तो यानी काम जो है वो तो वाराणसी में हुआ है, लेकिन आसपास क्या समीकरण है और क्या जातीय समीकरण से भी कुछ बदलेगा वहां पे? जो नजरें हैं वो पूर्वांचल की सीटों पे हैं, 13 सीटों पर 1 तारीख को वोटिंग होनी है। सबसे महत्वपूर्ण सीट है वाराणसी से, जहां नरेंद्र मोदी तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन अबकी परिस्थितियां दूसरी है, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को मेहनत करनी पड़ रही है, नरेंद्र मोदी एक जगह पर रैली कर रहे हैं, उसको लेकर यही लगता है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने बनारस में प्रधानमंत्री की घेराबंदी किया है, वो कहीं ना कहीं मार्जिन पर वोट परसेंटेज पर असर डालेगा। क्योंकि जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में ये ट्रेंड देखा जा रहा है कि जो मुस्लिम माहौल इलाके हैं, जो मिनोरिटी के वोट हैं, वो एक तरफा इंडिया गठबंधन को जा रहे हैं, और ऐसे में अगर पूरी तरह से इंडिया गठबंधन के खाते में वोट जाता है और बीएसपी जिस तरह से मुस्लिम वोट नहीं काट पा रही है, जबकि बीएसपी ने गाड़ी को मैदान गुजार रखा है, लेकिन इसका असर ये देखने को नहीं मिल रहा, तो ऐसे में जीत हार का मार्जिन घट जरूर सकता है। प्रधानमंत्री बहुत मजबूत स्थिति में है, लेकिन प्रधानमंत्री को अधिक से अधिक मतों से जिताने और उनको एक विशाल बढ़ाने के लिए तमाम केंद्रीय मंत्री इस वक्त बनारस में डेरा डाले हुए हैं। लेकिन बनारस में इस वक्त जो चुनाव की राजनीति है वो दूसरी तरफ अगर हम कहें तो जातिगत बहुत रूप से देखने को मिल रही है, और जातिगत फैक्टर बहुत पूर्वांचल में काम करता है। ऐसे में कहीं ना कहीं जीत हार के रेशियो में भी काफी फर्क मिल जा सकता है, क्योंकि पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी काफी मजबूत स्थिति में रही है, और इंडिया गठबंधन में जिस तरह से वो चुनाव लड़ते चली आ रही है, जिस तरह से उसने प्रदर्शन किया है, वो काफी अच्छा प्रदर्शन माना जा रहा है। पूर्वांचल के वाराणसी की जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत पक्की मानी जा रही है, लेकिन जो आंकड़ा है, जो वोटों का परसेंटेज है, वो दोबारा रिपीट होता है उससे कम रहता है, ये देखने वाली बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी कोई रिस्क उठाना नहीं चाहती है, वो पूर्वांचल की सभी सीटों पर मेहनत कर रही है। उसको ये मालूम है कि अगर पूर्वांचल की सभी सीटें हम नहीं जीतते हैं तो आने वाले वक्त में मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, और ऐसे प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा का सवाल है। मंत्री को अच्छी तरह मदद जिताने के लिए तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने वहां पर डेरा डाल रखा है, लेकिन अगर ग्राउंड रिपोर्ट चल रही, जो ग्राउंड लेवल की चीजें हैं, उसमें यह जरूर देखा जा रहा है जीत हार में अंतर रहेगा, लेकिन हो सकता है कि बहुत व्यापक पैमाने पर प्रधानमंत्री को न मिल पाए, वो गैप न रहे, क्योंकि इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार है कांग्रेस के अजय राय, वो बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, तो जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं काटेगा भी दिखाई दे सकता है, क्योंकि जो मिनोरिटी वोट है वो एक तरफ से इंडिया गठबंधन पर शिफ्ट हो रहा है, उसके साथ जातिगत वोटों का भी फैक्टर
कर बहुत काम कर रहा है और जिस तरह से लड़ाई हो रही है बाहरी बनाम गृह मंत्रियों की, एजय गठबंधन के जो नेता है अगर है, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि बाहरी व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, वो चाहे भले देश का प्रधानमंत्री हो, हम यहाँ के लोकल मुद्दों पर आवाज उठा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बनारस की भी लड़ाई टफ है, लेकिन हाँ जीत फाइनल मानी जा रही है प्रधानमंत्री जी। तो जीत कितने लाख के वोटों से होगी, वो पुराना रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे कि नहीं, एक नया रिकॉर्ड बना पाएंगे कि नहीं, लेकिन जीत कहीं ना कहीं जीत को लेकर आश्वस्त हैं प्रधानमंत्री मोदी हितेशा। और वहाँ उत्तर प्रदेश में अगर ओवरऑल देखें तो ऐसा लग रहा है कि वहाँ उस जगह को लेकर के भी पूरी की पूरी बीजेपी पूरा खेमा जो है आश्वस्त नजर आ रहा है। अस्मित, आपके पास अब आते हुए, बिहार बहुत महत्वपूर्ण राज्य है वोट के भी लिहाज से और सीट्स के भी लिहाज से। अब सातवें चरण में जहाँ जहाँ वोटिंग हो रही है, काफ़ी हॉट सीट है वो भी, जैसे आरा काराकाट से पवन सिंह उतर रहे हैं निर्दलीय, हालांकि वो चुनाव लड़ रहे हैं, पाटलिपुत्र हो गया, अब नालंदा है। तो ऐसे में अब ये आखिरी फेज के लिए बिहार किस तरीके से तैयार लग रहा है, और ख़ासतौर पे पवन सिंह का जिक्र ज़रूर कीजिएगा क्योंकि चुनावी अभियान में जो धार देने का काम है पूरा परिवार पवन सिंह के साथ कर रहा है। नहीं बिल्कुल, देखिए जहां जहां इस बार चुनाव होने हैं शिखा, ये पटना शहर के अंदर दो लोकसभा क्षेत्र है, पाटलिपुत्र और पटना साहिब, यहां पे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद चुनाव प्रचार किया था आकर और अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगा था। एनडीए ने अपने दोनों वर्तमान सांसद को रिपीट किया है, तो वहीं इन सभी पर बीजेपी का कब्जा है काफी दिनों से, एक बार फिर से फतेह करने की तैयारी है। सब भारती भले ही रामकृपाल यादव के सामने खड़ी हैं और वो लगातार चुनाव लड़ती आई हैं और हारती भी आई हैं चुनाव, लेकिन इस बार रामकृपाल यादव की बात करें तो वहां पर इन तमाम जो कार्यकाल रहा उनका वो लोगों के बीच गए हैं और यही एक फैक्टर है जो वहां पे काम कर रहा है। रामकृपाल यादव के साथ लोग वहां पे खड़े नजर आ रहे हैं। तो वही पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र है जहां से रविशंकर प्रसाद एक बार फिर से चुनावी मैदान में है, वहां भी देखिए इस बार मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव है क्योंकि वहां इन एंटी इनकम्बेंसी थोड़ी जरूर दिखती है, लेकिन इसके बावजूद रविशंकर प्रसाद वहां से भारी नजर आ रहे हैं। वहीं काराकाट लोकसभा क्षेत्र जो सबसे ज्यादा हॉट माना जा रहा है पवन सिंह को लेकर के, पवन सिंह भले ही निर्दलीय चुनावी मैदान में है लेकिन एक चीज जो वहां हमेशा देखने को मिल रही है शिखा, पवन सिंह के जनसभा में भारी संख्या में लोगों की भीड़ दिख रही है। कुछ लोगों ने बताया वहां की ग्राउंड रियलिटी ये है कि जो जो पवन सिंह को देखने या सुनने आ रहे हैं वो 18 साल से कम के लोग अधिकतर दिखते हैं, यानी कि 18 साल से कम ऐसे युवा हैं जो इस पर वोट नहीं देने वाले हैं। तो एक फैन फॉलोइंग भी आप कह सकती हैं कि उनके ऐसे फैन फॉलोवर है बिहार में जो पवन सिंह को देखने के लिए, उनसे सेल्फी लेने के लिए, उनका ऑटोग्राफ लेने के लिए उनके इस सभा में पहुंच रहे हैं। लेकिन वहां उपेंद्र कुशवाहा एनडीए की तरफ से प्रत्याशी हैं, प्रधानमंत्री खुद वहां पहुंचे थे काराकाट, कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा को आप यहाँ से चुनाव जिताएं, वो जो भी काम है काराकाट के लिए वो यहाँ से करेंगे, अगर उपेंद्र कुशवाहा यहाँ से जीतते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो मजबूत होंगे। और अच्छा, तो अस्मित जरा ये बताइएगा कि काराकाट सीट पे टक्कर कितनी कड़ी है, क्योंकि पवन सिंह एक ऐसे व्यक्ति है जो भोजपुर, वो पूरा जो साइड है, वो जो पूरा बेल्ट है भोजपुरी बेल्ट, उसको पूरी तरीके से साधते हैं और बिहार में भी ओवरऑल आप कह सकते हैं कि 60% जो है वो जनता को साथ देते हैं, लेकिन चुनावी मैदान में टक्कर जो है वो कैसी आपको नजर आ रही है, लोग क्या कह रहे हैं? नहीं देखिए, पवन सिंह के को लेकर के हम ये कह सकते हैं शिखा कि भीड़ तो है, लेकिन ये भीड़ मैंने पहले भी जिक्र किया कि ये भीड़ वो भीड़ है जो 18 साल से कम युवा उनको देखना चाहते हैं, उनका फैन फॉलोइंग जो है वो भी आप कह सकती हैं। हालांकि ऐसा नहीं हम कह सकते कि पवन सिंह वहां पे फाइट में नहीं है, या तो राजा राम की बात करें जो माले से वहां पे उम्मीदवार बनाए गए हैं, या हम उपेंद्र कुशवाहा की बात करें, इन दोनों में फाइट तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं काम बिगड़ेगा तो वो पवन सिंह के कारण बिगड़ेगा। पवन सिंह अभी वहां पे थोड़े से पीछे जरूर दिख रहे हैं क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के वहां पे कुशवाहा वोटर जो है या फिर जो उपेंद्र कुशवाहा के कोर वोटर रहे हैं वो एकजुट है वहां पे काराकाट में, लेकिन पवन सिंह को लेकर के जो बातें सामने आ रही है कि पूरा भोजपुरी जगत के तमाम सुपरस्टार जो है पवन सिंह के चुनाव प्रचार के लिए काराकाट में कैंप कर रहे हैं, या फिर हम खेसारी लाल यादव की बात करें या फिर तमाम जो गुंजन यादव जैसे नेता थे कलाकार थे वो भी वहां पहुंचे हुए थे। काराकाट में फैक्टर तो है कि पवन सिंह वहां पे चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बहुत आगे दिखते हैं ये हम नहीं कह सकते क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा का वहां पे कोर वोटर जो है या फिर कुशवाहा वोटर जो है वो उनके साथ दिख रहे हैं वहां पे कड़े सिका।
ठीक है, धनंजय मंडल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं रांची से। धनंजय, देखिए इस पूरे पॉलिटिक्स में झारखंड का जिक्र जब भी हुआ तो सबसे पहले जो नज़र है वो आपके पूर्व सीएम पर गई, और झारखंड में जो समीकरण बदला और जैसे पूरा मामला पॉलिटिसाइज हुआ, क्या लगता है कि बीजेपी को वहाँ पर इससे फ़ायदा मिल रहा है आखिरी चरण में भी? सीखा, देखिए तीनों सीट संथाल के तीनों सीटों पे मुस्लिम और आदिवासी निर्णय लेते हैं कि किसकी वहाँ पे गद्दी बैठेगी और कौन संसद दिल्ली जाएगा। राजमहल सीट में सबसे बड़ा मुद्दा था कि बांग्लादेशी मुद्दा, वहाँ पे बीजेपी का आरोप था 35% मुस्लमानों जो घुसपैठिया मुसलमानों की जनसंख्या वहाँ बढ़ी और हिंदुओं की संख्या वहाँ कमी हुई है। पाकुड़ और साहिबगंज राजमहल का जो एरिया है बांग्लादेश से सटा हुआ एरिया है, वहाँ से बांग्लादेशी लोग पहुँच रहे हैं और वो वोट बैंक की राजनीति जेएमएम पार्टी करती है और उस वोट से वो जितने भी जो विजय हांसदा लगातार दो बार वहाँ सांसद रहे हैं उन्हीं वोट बैंक का साधने की कोशिश बीजेपी कर रही है। दुमका सीट सबसे बड़ी बात है, देखिए दुमका सीट में आदिवासी ही निर्णय होते हैं, वहाँ पे एसटी सीट जो होते हैं यानी आदिवासी और मुस्लिम और वह जनरल वोट है, आदिवासी सीट इसलिए माना जाता है दुमका सीट, दुमका ही झारखंड की राजनीति का गढ़ कहा जाता है। शिबू सोरेन वहाँ लगातार जीतते आए हुए थे और शिबू सोरेन का गढ़ को दहाया था बीजेपी के सुनील सोरेन ने, हालांकि सीता सोरेन इस बार वहाँ मैदान में है और इस बार भी कड़ी टक्कर वहाँ पे देखने को मिल रहा है दुमका सीट लोकसभा सीट से। उसके बाद अगर हम गोड्डा की बात करें, गोड्डा में भी गोड्डा जो संसदीय क्षेत्र है, गोड्डा का संसदीय क्षेत्र में भी मुसलमानों की संख्या जो बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या ज्यादा बढ़ती जा रही है, उसमें निशिकांत दुबे कई बार ट्वीट करते हुए एक्सपोर्ट पे अपने पोस्ट पे नजर आए हैं और वहां पे भी निशिकांत दुबे लगातार तीन बार के सांसद है, चौथी बार वो मैदान में है। निशिकांत दुबे के सामने में प्रदीप यादव जो कांग्रेस के कोटे से वहाँ खड़े हैं यानी इंडिया ब्लॉक के नाते वहाँ से खड़े हैं, गड़ी टक्कर देखने को मिले, तीनों सीटों पे जबरदस्त टक्कर देखने को मिले। संथाल की दो सीटों पे बीजेपी का भी एक, दुमका और गोड्डा दो सीटों पे बीजेपी का राज है और एक जगह पे राजमहल जो विजय हाजदा है जेएमएम के सांसद है वो लगातार दो बार जीतते आए हैं। हालांकि बीजेपी दावा कर रही है, प्रधानमंत्री मोदी के वहाँ रैली हुए, जनसभा हुए, जेपी नड्डा पहुंचे थे, अमित शाह पहुंचे थे, जनसभा रैलियां की गई है, उसके बाद तीनों सीटें वो अपने झोली में गिराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये भी बात है, हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद ये तीनों सीटें वो निर्णय लेंगे कि हेमंत सोरेन को जेल जाने के बाद क्या है? आदिवासी वोटर जेएमएम के पक्ष में वोट डाल रहे हैं यानी हेमंत सोरेन के जो संवेदना वोट है वो क्या जेएमएम को मिल रहा है, या फिर लोग भ्रष्टाचार से जो त्रस्त थे उनको जेल भेजा गया, नोटों की जो गड्डियां मिली थी सांसद विधायक मंत्री के घर से उन तमाम चीज से त्रस्त आके बीजेपी को वोट करेंगे, ये तीनों सीटें निर्णय लेगी कि जो अगला जो चुनाव होगा विधानसभा चुनाव सटा हुआ है लोकसभा सीटों में, तीनों निर्णय लिया जाएगा कि जेएमएम के जो हेमंत सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया है क्या आदिवासी सीट उनके ओर झुक रहे हैं या बीजेपी की ओर आ रहे हैं। ये तीनों सीटें आदिवासियों पे टिकी हुई है और गोड्डा और राजमहल मुसलमान और आदिवासियों सीट पे टिकी हुई है। हालांकि निशिकांत दुबे जो है वो वहाँ पे इतने काम किए हैं, वो विकास के नाम पे पहले वो सांसद है झारखंड में जो विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं, वहाँ पे जाति समीकरण पे वोट कभी नहीं मांगा जा रहा है, माफ कीजिए, वहाँ पे एम्स हो, रेलवे हो, प्लांट हो, स्कूल हो, कॉलेज, तमाम ऐसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हुए हैं और निशिकांत दुबे की देन है और निशिकांत दुबे उन्हीं विकास के मुद्दे से वो वोट मांग रहे हैं। हालांकि अब देखने वाली बात होगी पांचवे चुनाव प्रचार थम जाएगा और सबसे बड़ी बात ये है धनंजय कि इस पूरे चुनाव में अलग अलग मुद्दे तो सामने आए लेकिन जो मुद्दे हैं वो धरातल पर वोट बैंक में कितने तब्दील होंगे ये देखना दिलचस्प रहेगा। थानेश्वर, एक जरा क्विक रिएक्शन और फिर मैं अस्मित आपके पास आऊंगी क्योंकि वक्त अब कम है मेरे पास। थानेश्वर, पंजाब में माहौल कैसा आपको नजर आ रहा है क्योंकि पंजाब की सीटों को साधना बहुत जरूरी है बीजेपी के लिए, ना केवल इस चुनाव के लिए बल्कि आने वाले चुनाव जैसे विधानसभा चुनाव में भी बहुत जरूरी है कि पंजाब बीजेपी अपने कब्जे में करे, ऐसा बीजेपी चाहती है। तो क्या समीकरण दिख रहे हैं, क्या पहले से कुछ बदला है? अभी देखिए, पहले से बदलने का प्रयास बीजेपी पूरा कर रही है लेकिन बीजेपी के खिलाफ किसान मोर्चा खोले बैठे, किसानों की माफ कीजिएगा, किसान काफी समय से मोर्चा खोले बैठे हैं, जो शंभू बॉर्डर पर धरने पर बैठे हुए किसान और खासतौर पर अभी पीछे किसानों ने जो बीजेपी के उम्मीदवार हम सभी उम्मीदवारों के घरों के सामने भी इन्होंने धरना दिया था जिससे किसानों का जो वोट बैंक है वो बीजेपी के से दूर होता नजर आ रहा है। जबकि दूसरी तरफ जो इलीट क्लास है जो खासतौर पर समझता है कि विकास के नाम पर वोट देना है या जो समझता है कि देश का विकास हो रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में देश का नाम रोशन हो रहा है, वो सब बीजेपी की तरफ है। पहले से माहौल बीजेपी के पक्ष में कुछ जरूर आया है लेकिन किसानों के बीच भी जब हम गए हैं तो किसानों से बातचीत की तो किसानों ने सीधा कहा कि बीजेपी को वोट नहीं देंगे,
बनेंगे, लेकिन जब उसे पूछा कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा तो उनका भी यही कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे, क्योंकि मोदी विकास कार्य करवा रहे हैं, अच्छे करवा रहे हैं। हमारा बीजेपी से वैर है, स्थानीय नेताओं से वैर है, लेकिन किसानों की ये जो नीति है ये अभी तक किसी भी के भी समझ में नहीं आ रही। वो ग्राउंड पे विरोध कर रहे हैं लेकिन ऊपर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेगा। इससे साफ साफ नजर आ रहा है कि कुछ लोग जो है कैमरे के सामने कुछ बोल रहे हैं लेकिन उनके दिल में कुछ चल रहा है। पंजाब का जो वोटर है बहुत ही साइलेंट वोटर है, कहता कुछ है करता कुछ है। पहले से जो माहौल नजर आ रहा है वो बीजेपी के काफी फेवर में नजर आ रहा है। अभी योगी आदित्यनाथ की रैली थी, इसमें इतनी ज्यादा भीड़ थी कि आधा घंटा रैली खत्म हुए हो गए, अभी तक जाम खुला नहीं है, अभी तक लोग पैदल काफिला इतना जा रहा है। आज आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा जी और योगी आदित्यनाथ ने पंजाब में एक के बाद एक जो ताबड़तोड़ रैलियां की हैं उससे माहौल जरूर बीजेपी के फेवर में आता जा रहा है। किसान जो इसके एंटी बैठे थे उसका भी कुछ असर कम होता नजर आ रहा है। जी ठीक है अस्मित, अब जरा क्विक रिएक्शन आप भी दे दीजिए। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हुए, एनडीए का हिस्सा फिर से बन गए, सीधा सीधा आप मुझे ये बताइए कि क्या इससे फायदा बीजेपी को होगा या बीजेपी या एनडीए कुल मिलाकर के लिए नुकसान में चला जाएगा? क्या समय लोगों के दिमाग में क्या है, जहन में क्या? नहीं, लोगों देखिए यहाँ बिहार के लोग नीतीश कुमार की राजनीति को बड़ी अच्छी तरीके से आप जानते हैं शिखा। वहाँ देखिए नीतीश कुमार को लेकर के एक बात हमेशा कहा जाता है कि बिहार के मुख्यमंत्री के साइलेंट वोटर्स बहुत होते हैं, और भले ही नीतीश कुमार कहीं चले जाए या वो बीजेपी के साथ चले जाए या फिर महागठबंधन के साथ चले जाए, नीतीश कुमार के वोटर हमेशा नीतीश कुमार के साथ रहते हैं। और यही लोकसभा चुनाव में भी एक बड़ा फैक्टर काम करने वाला है कि एनडीए में नीतीश कुमार के आने से एनडीए को फायदा होगा। इसमें कोई दो मत नहीं है कि बिहार के मुख्यमंत्री अगर एनडीए के साथ हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं, तो बिल्कुल नरेंद्र मोदी के साथ उनका फायदा होगा। लेकिन देखना होगा कि जेडीयू अपनी कितने सीटें बचा पाती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक सवाल है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने अपने जो उम्मीदवार अपने हर लोकसभा क्षेत्र में उतारे हैं उसमें कितनी सीट जेडीयू ला पाती है, क्योंकि बहुत ऐसी सीटें हैं जहां पर ये देखा जा रहा है। हम जहानाबाद लेके चलते हैं आपको, जहां से चंदेश्वर चंद्रवंशी हैं, वो सीट एक ऐसा सीट है जहां पर बहुत विरोध हुआ था। जहां जहां चंदेश्वर चंद्रवंशी गए थे वहां वहां लोगों ने उनका विरोध किया था उनके काम को लेकर के, लेकिन वो सीट अगर बच गई तो जेडीयू अपने तमाम सीटों को ही बचाने में सफल दिखेगी शिका। अच्छा, आरा सीट को लेकर क्या है, आरके सिंह? क्योंकि ऐसी खबरें आई और ऐसा समीकरण बनता हुआ देखा अस्मित कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत है, हालांकि बड़े प्रिय है वो बीजेपी के और खासतौर पर मोदी और शाह के, लोग कहते हैं करीबी भी है। आरके सिंह को लेकर के क्या है? नहीं, आरके सिंह को लेकर भी कई जगह से ये खबर आई थी कि वहां के लोग नाराज हैं आरके सिंह से, लेकिन ये तब की बात है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा वहां नहीं हुई थी। जब नरेंद्र मोदी वहां गए आरा, वहां उन्होंने आरके सिंह के लिए वोट मांगा और साफ कहा था, मुझे याद आ रहा है नरेंद्र मोदी का वो बयान कि आप एक बार आरके सिंह को फिर से मौका दें, अगर आरके सिंह यहां से जीतते हैं आरा से तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मजबूत होंगे, केंद्र में सरकार बनेगी, और आरके सिंह यहां से अगर जीतने के बाद सांसद चुन के जाएंगे तो वो आपके सवालों को वहां संसद में उठाएंगे और बिल्कुल जो भी यहां की समस्या होगी वो दूर होगी। तो एक बार फिर से हम कह सकते हैं कि फिजाएं बदली है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से बहुत फायदा मिलने वाला है। आरके सिंह वहां से फिलहाल आगे दिख रहे हैं, बीच में हम कह सकते हैं कि वहां पे मामला थोड़ा गड़बड़ाया था, वहां पे विरोध हो रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री के सभा के बाद वहां सब नॉर्मल है, आरके सिंह वहां से अभी आगे दिख रहे हैं फिलहाल। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए और ग्राउंड से रिपोर्ट हम तक पहुंचाने के लिए।